पंजाब पुलिस की कुर्बानियों संग सामाजिक सुरक्षा में लगी होमगार्ड के जवानों का इतिहास भी कुर्बानियों से भरा पड़ा है। ये बताया गया होमगार्ड के 55 रेंजिंग डे सेलिब्रेशन कार्यक्रम में, जो संगरूर में होमगार्ड कमांडेंट कार्यक्रम में हुआ। 1962 से आज तक के होमगार्ड के सफर पर नए पुराने होमगार्ड के जवानों को बताया गया। कमांडेंट ने बताया कि सरकार ड्यूटी के समय शहीद हुए होमगार्ड के जवानों के परिजनों को योग्यता के आधार पर नौकरी देने पर विचार कर रही है। इसके लिए लिस्टों की मांग की गई है। इस अवसर पर एसएसपी संगरूर ने आकर समय के मुताबिक होमगार्ड के जवानों को ड्यूटी के गुर समझाए और तनदेही से काम करने पर सराहना की। यदि शहीद होमगार्ड जवानों के परिजनों को नौकरी मिलती है तो यह एक अच्छा कदम होगा। संगरूर से कैमरामैन संजीव के साथ विनोद कुमार गोयल, आज़ाद टीवी न्यूज़। साडे तो आम शरीफ शहरी है जो वह साडे नूं इज्जत ते मान नाल देखे ते जो माड़ा काम करन वाला उहनूं डर ते भाव बरकरार रहे, यही लोगों की सही सेवा। 1962 तो लैके जी अज तक जदों की होमगार्ड की स्थापना हुई है, 1971 की 1962 की जंग दे विच भी साडे होमगार्ड के बहुत जवानों ने शहीदियां पाईयां ने। शहीदियां पाउणा ही एक बहुत वड्डी गल नहीं हुंदी, उस दे नाल नूं नाल नाल उस चीज़ नूं बरकरार रखना, नाल नाल चलाउणा, वो बहुत वड्डी गल होया करदी है। कोई साडे डिपार्टमेंट ने, साडे ऑफिसरज ने, साडे जवानों ने जदों जदों भी देश ते किसी तरह की भी असुरक्षित महसूस किया,